पीजी ग्रुप जैसा ग्रुप हमारा पेरेंट ग्रुप है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस तो और किसी को नहीं मिल रहा है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े, सबसे हैपनिंग, सबसे शानदार टेस्ट स्टेशन पे हम लोग सेल्फियां ले रहे थे. लाइक इट्स नथिंग फॉर अस, इट्स सो वी आर डैम लकी एंड आई एम ग्रेटफुल. वेंकी, वी कॉट यू. आप देख सकते हैं वेंकी भाई, ये आदमी चुप चुप के हमसे झूठ बोल के पानी पूरी एंजॉय कर रहा है और ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे हम स्ट्रेंजर है, हमको जानना ही नहीं है. बताओ, ये देखो अकेले अकेले ध्यान से देखिए, अकेले अकेले पकड़ा गया ये पानी पूरी खाते हुए. हर पानी पूरी के पहले जय वेंकी बोलना पड़ेगा, क्योंकि वेंकी भाई खिला रहे हैं इन गरीबों को. ठीक है, जय वेंकी. चलो स्टार्ट बोलो. वेंकी भाई जाना मत, साथ में चलेंगे. जय वेंकटेश भाई. तुम्हारी अब कल तुम्हारी तबियत खराब हो गई, तुम्हें लूज मोशन हो गया. कैसा है तबियत? बढ़िया लगा आज. आज ब्रेकफास्ट भी बढ़िया था, दूध भी मिला. तो आज इम्पोर्टेंस ऑफ हेलमेट एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? इम्पोर्टेंस ऑफ हेलमेट ये कि जैसे मैं रेलवे एसबीयू में काम करता हूँ, तो बहुत अच्छा लगा यार. और स्टेशन का क्या क्या देखा, क्या क्या समझा? बहुत सारी चीजें देखी, मॉक ड्रिल देखा यार कैसे होता है यहाँ पे टावर इरेक्शन डिस्ट्रक्शन सब चीजें सीखी. चौथा दिन, फोर्थ डे, फेस वाई के बिना मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से एंड हो रहा है. अरे इग्नोर हिम, टेस्ट इट ना. इग्नोर हिम, यू जस्ट टेस्ट. फर्स्ट रिएक्शन सबका ऐसे ही हो. रन ही नहीं कर रहा है कोई. उठ के भाई. डेट है 24th of March 2023 एंड टाइम हो रहा है 9 o'clock. सो गाइस, टुडे इज आउटफिट, आज हम लोग रेडी हो गए हैं. तो अभी हम लोग निकलेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, देन उसके बाद बस लेने आएगी, उसके बाद हमें डायरेक्ट जाना है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. तो चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं. आई विल शो यू द ब्रेकफास्ट सिनेरियो एंड देन वील गो टू द प्लांट बाय बस. सो गाइस, सी यू इन द कैंटीन. मनीष भाई, Day 4. Excited for today's induction. आज है. So guys, हम लोग निकल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए. तो मैं और मेरे साथ सभी नन्हे मुन्ने ELT. So good morning everyone. Morning. So how you all are feeling? How's the Josh? Hi. How's the Josh? Hi. भारत माता की जय. वंदे. तो गाइस, एज यू सी, हम लोग चले Day 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए. सभी लोग तो क्या कहना चाहेंगे आज आपके बारे में? आज तो टावर टेस्टिंग होगी, इसके लिए बहुत इंटरेस्टेड है. आज हम जब ब्रेकफास्ट के लिए उठे थे, हमने 4 बार डोसे का ऑर्डर दिया, लेकिन हमारे पास डोसे नहीं आया. हाँ मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना तो मैं यही कहूँगा कि आज हम लोगों का टेस्टिंग है, टावर का टेस्टिंग चलेगा आज, तो उसी में हम लोग जा रहे हैं. अभी तो हम लोग निकले हैं यहाँ होटल मयूर से, यहाँ से शायद 5 किलोमीटर के आसपास है वहाँ जहाँ पे टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग पॉइंट. वहाँ पे जाने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है. रमेश जी बोलिए. एक बिहारी सपने बारी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? गुड
नाइस ब्रो, नाइस ब्रो। कैसा रहा ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट अच्छा रहा, अच्छा रहा ब्रेकफास्ट, अच्छा रहा। मैंने ठीक था। हाँ मानस भाई, व्हाट्स अप ब्रो? पावर टेस्टिंग में जा रहे हैं, देखते हैं कैसे टेस्ट करते हैं। एक्साइटेड हो पावर टेस्टिंग के लिए? एक्साइटेड थोड़ा सा, थोड़ा सा एक्साइटेड हो। और अगर नहीं दिखाया तो आके स्कूल आएंगे और सही है। Thank you, bro. My bro, Banky. How are you, bro? How are you? अपने लिए बोल रहा हूँ। बोलो बोलो। How are you? I'm fine. कैसा रहा breakfast? या पहले के breakfast? ठीक है, एक डोसा खाया बस। एक डोसा खाया बस। पेट भर गया था? हाँ, पेट भर गया था। मारना। Excited हो आज के लिए? Excited हो ना? 14 दिन है आज अपना। नहीं नहीं, बस सोने के लिए excited। अच्छा, सोने के लिए excited हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ भाई अजीत। अरे यार उसकी तबीयत खराब हो गई यार। पता ना क्या चल रहा है, हमारे एक एक सहपाठी का बीमार हो रहे हैं। हाँ यार, तो देख के मजा आएगा। हाँ, ये मेरे झींगे, ये मेरा झींगा और झींगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप? गुड, फाइन, एंड यू? ऑलवेज गुड। झींगा डिंग डिंग डिंगा के डिंग डिंग डिंगा। हाँ भाई, ए तमिल ब्रो, स्पीक समथिंग इन तमिल। तेलुगु। तेलुगु। అందరికి నమస్కారం. ఈరోజు రెస్టింగ్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం, చాలా ఆనందంగా ఎక్సైటెడ్గా ఉంది. సో విల్ సీ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. खराब हो गई, तुम्हें लूज मोशन हो गया। कैसा है तबियत? मोशन कैसा है? ओके ओके, कैसा है तबियत? गुड। आर यू एक्साइटेड फॉर टुडे? अरे आज पावर टेस्टिंग में जाएंगे। हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे? अगर पावर टेस्टिंग में जाएंगे तो इट विल बी वेरी एक्साइटमेंट। ओके ब्रो, अदरवाइज बोरिंग। यस ब्रो। हाँ दादो में दादा, सूरज दादा। अरे हमारा नेता कैसा हो? अरे हमारा नेता कैसा हो? हाँ सूरज दादा, बढ़िया लगा आज। आज ब्रेकफास्ट भी बढ़िया था, दूध भी मिला। दूध भी मिला। तो आज जैसा कि आपने सुना कि हमारे सूरज दादा को जो है आज दूध मिल गया है, आज हमने ब्रेकफास्ट में दूध भी पिया। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं होटल से और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:49 टाइम हो रहा है और 9:39 हो रहा है। तो हम लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए निकल रहे हैं। तो आज हम लोगों को मे भी हो सकता है पावर टेस्टिंग एरिया में लेके जाया जाए, यहाँ पर जो ट्रांसमिशन टावर्स जो होते हैं, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, उनकी यहाँ पे जो टेस्टिंग होती है उस एरिया में हमें ले जाया जाएगा। जैसे कि हमें हमारे सर ने बताया कि जो ट्रांसमिशन टावर्स की टेस्टिंग का एरिया है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा एरिया है केईसी का। तो देखते हैं, लेट्स सी कैसा क्या होता है अगर वहाँ पे हमें लेके जाते हैं। अदरवाइज प्लांट के अंदर जो मस्ती होगी, जो सीखेंगे, उससे रिलेटेड तो आपके इस ब्लॉग में देखने को ही मिलेगा। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, और बन रही है इस ब्लॉग में हमारे साथ। लेट्स सी, देखते हैं आज के दिन कैसा जाता है। सी यू। हम लोग पहुंच चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट केईसी है, फाइनली रिलीज है। देखते हैं कैसा क्या लगता है। वहाँ जाना है, वो लेके जाएंगे ना, वही अंदर से भेजेंगे तो वो लेके जाएंगे। चलो गाइस, सभी नन्हे मुन्ने ईएलटी गोइंग आउटसाइड, नन्हे मुन्ने ईएलटी जाते हुए प्लांट की ओर। लेट्स गो। बागी हैं हम लोग रेबेल्स, अगर मतलब नौकरी नहीं गई तो। वाह, इसलिए गोल्ड मेडलिस्ट है आदमी में कुछ है भाई, इसलिए गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है आईपीएस का। और क्या, आईपीएस राहुल किला। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने ईएलटी आके बैठ चुके हैं। वेंकटेश भाई अपने पूरे फुल स्वैग में बात करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग के बाद मुझसे मिलने आओगी कि नहीं आओगी। मैंने यहाँ नागपुर में एक होटल देख रखा है और होटल बहुत अच्छा है, ऐसी बातचीत चल रही है अपनी गर्लफ्रेंड से। और देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सेक्सी लग रहे हैं, सफ़ेद जूते, सफ़ेद पैंट और ब्लू ईयरफोन, 60,000 का फ़ोन। और ये मनीष जी के पास बैठे हुए हैं मानस जी, और मानस जी के थोड़े से आगे जाएंगे तो आपको देखेंगे अजीत जी, और थोड़े से आगे जाएंगे तो मिलेगा व्लॉग का सुपरस्टार भैरव डाकू फ्रॉम एनआईटी अगरतला के अराउकेला। और सॉरी आईपीएस से सेफ्टी डिपार्टमेंट का नाम रोशन करने वाले
इकलौते इंसान, एक बिहारी सब पे भारी। फाइनली हम लोग जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर डे टाइम पास किया जाता है, वहीं पे फिर से पहुंच चुके हैं। मिश्रा जी हेलो गाइस, फाइनली हम लोग जगह पे पहुंच चुके हैं। यही तो चाहिए मुझे ब्लॉग में, यही बहरो तो चाहिए। कहां घूम गया था? और ये भाई लोंडा बहुत डिमांडेड है, सबकी नजर इस पर है। और ये इसकी नजर सब पे है भाई। तुझसे बोलता हूँ तू ये पैर वैर ढक के बैठा कर, नहीं कोई उठा करके ले जाए। ये हमारे सूरज दादा, इनकी जगह फिक्स है, ये रोज यहीं पे बैठते हैं, ये रोज यहीं बैठते हैं। केईसी की डायरी रख के इसको पलटो, केईसी की डायरी रख के बैठते हैं। और ये बड़े स्वैग में रहते हैं, ये दादा हैं, सबके दादा हैं। ये हमारा तमिल से फ्रेंड है रविंद्र, रविंद्र ही इज माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम तमिलनाडु। एंड इसको मैंने बोल दिया है कि तमिलनाडु से मेरे लिए नारियल लेके आना, नारियल के पेड़ भी लेके आना, तो ये लेके आएगा कोकोनट ट्रीज। एंड ये अपने मोहन भाई असम से है, ये तेलुगु भाई है मेरा, क्रिकेट फैन है इसका, मतलब क्रिकेट का फैन है ये। ये तो ऐसा ही है, ये तो कुछ भी करता रहता है। हीरा नहीं, हीरे की खदान। तो आज हम सभी लोगों को हेलमेट दे दिया गया है और अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर हमें एंट्री मिल जाएगी। तो इस झिंगाट को भी हेलमेट मिल गया है वैसे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये झिंगाट अपना हेलमेट लगा के दिखाएगा हमें। झिंगाट तो सबको लगाना आता है, लगाना मेरा। ये इंजीनियर है, ये प्रूव है कि तुम इंजीनियर हो। दो उंगली जा सके बस इतनी गैप होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम। ठीक है, और हेलमेट से रिलेटेड कुछ बताना चाहेंगे सेफ्टी के? नहीं, वैसे हेलमेट के बहुत सारे कलर कोड होते हैं। हाँ, साइट इंजीनियर्स के लिए जैसे हम सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले हैं तो हमको ग्रीन मिलना चाहिए, बट ठीक है अभी 15 दिन की बात है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हेलमेट एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? इम्पोर्टेंस ऑफ हेलमेट ये कि जैसे मैं रेलवे एसबीयू में काम करता हूँ, तो पर्टिकुलर क्या होता है कि जब ट्रेन चलती है, आप लोग भी ट्रेन में बैठे ही होंगे, तो एक आधी पानी की बॉटल भरी हुई भी ट्रेन के फोर्स की वजह से इतनी तेज आ सकती है कि वो आपका खोपड़ा खुल सकती है, वो आपका कपड़ा खोपड़ा खुल सकते हैं। तो ये है, बाकी वहाँ पे ब्लास्ट भी रहते हैं, वो भी आपको लग सकते हैं। आपने कई ऐसे एक्सीडेंट्स देखे होंगे कि कुछ भी नहीं, एक व्यक्ति दुकान में बैठा है, ट्रक के टायर के नीचे एक छोटा सा कंकर लगा और वो उस फोर्स से आके उसके सर में घुसा और उसकी डेथ हो गई। तो हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी स्टील का लोडिंग अनलोडिंग होता रहता है, तो आपको सर से आपको ऐसे डैमेजेस से, इंजरीज से बचाने का काम करता है, मतलब कई हद तक बचा लेगा, यानी कुछ नहीं से तो कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कुछ हजार्ड होता है तो, कि आपको रिकवर कर सके हम ऐसा। तो कुछ बताना चाहेगा एज अ सेफ्टी ऑफिसर, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी हेलमेट? अभी जैसा कि इन्होंने बताया, सेफ्टी हेलमेट तो इम्पोर्टेंट है, पर अभी अभी हमने एक नई चीज देखी है, आप देख सकते हैं इसमें एसी भी दिया गया है। अरे बकचोदी मत कर बे, कम से कम 2 मिनट तो बोल भाई, तू EHS इंजीनियर है यार, इंपॉर्टेंस ऑफ हेलमेट पे बोल नहीं पा रहा यार। तो सेफ्टी हेलमेट बता गया, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी हेलमेट बता मैं यार। सेफ्टी हेलमेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हमारे सिर को बचाता है। कैसे बचाता है? ताकि हमारा सिर, मतलब अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कहीं काम कर रहे हैं, पता चला ऊपर कोई पाइप है, वो पाइप हमारे ऊपर गिर गया, हम अगर टावर के नीचे काम कर रहे हैं, कोई हमारा प्रैंगल गिर गया, तो ये हमें उतना तो नहीं बचाएगा पर हमारे हेड को उतना कवर कर लेता है। ठीक है, इसमें हमें दिया गया है चैन स्ट्रिप दिया गया है हमें, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर हुक करके हमेशा लगाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे जो चैन स्ट्रिप है इसको अच्छे से नहीं लगाते हैं ना, ऐसे करके कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, तो ये गलत है। अगर आप काम करेंगे तो ऐसे लगाएंगे तो क्या हो सकता है, गिर सकता है। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में सेफ्टी हेलमेट की इम्पोर्टेंस क्यों है, मतलब क्या प्रोजेक्ट है आपका? हमारा प्रोजेक्ट है ट्रांसमिशन लाइन का, ज़्यादातर हमारा काम हाइट वर्क पर होता है। ठीक है, जो फिटर्स होते हैं हमारे हाइट पर काम करते हैं। ऊपर क्या होता है, जब वो लोग स्पैनर वगैरह ले आते हैं, स्पैनर बोल्ट वगैरह एक हाइट पर लेकर जाते हैं, तो जब वर्कर्स कुछ नीचे काम कर रहे होते हैं तो उन पर वो गिर सकता है, तो वो उनके हेड की प्रोटेक्शन करेगा। बट क्या होता है, कुछ जो इक्विपमेंट्स रहते हैं, मतलब जैसे स्पैनर बोल्ट वगैरह एंगल हो गया, जब वो ऊपर की हाइट से गिरते हैं, ठीक है, तो उनका फोर्स ज़्यादा हो जाता है, तो क्या कहता है, ये हेलमेट भी उन्हें नहीं बचा पाता, पर फिर भी एक ये सेफ्टी करता है, हमारे सिर की सेफ्टी करता है, ज़्यादातर बचा ही लेता है। ठीक है, और ज़्यादातर हमारे यहाँ फाउंडेशन का काम चलता है,
फाउंडेशन के काम में क्या होता है कि मिट्टी कोलैप्स हो सकती है, मिट्टी हमारे सर पर गिर सकती है, सर पर गिरने से भी ये बचाते हैं हमारे हेलमेट, तो ये काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि धूप में, अगर हम धूप में जाते हैं तो हमारे लिए डी दिया हुआ है, डी बना हुआ है जो हमारी आई की प्रोटेक्शन करता है, और इसके अंदर ये दिया हुआ है ये जो हमारे हेड को बचाता है, जो हमारा पसीना वगैरह आता है तो यहाँ पर पसीना वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। और अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग सेफ्टी हेलमेट बनाया जाता है, जो वर्कर्स होते हैं हमें उन्हें ज़्यादातर येलो हेलमेट देते हैं, येलो हेलमेट ज़्यादातर डेंजर लोगों के लिए, मतलब वर्कर जो हमारे हैं खतरों में, हज़ार डीएस पीपल्स, ठीक है, हज़ार डीएस पीपल्स, ठीक है, थैंक यू। तो एज अ सेफ्टी पर्सन हमारे साथ हैं अजीत जी। अजीत जी, इम्पोर्टेंस ऑफ हेलमेट आपके साइड से क्या है, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस ऑफ हेलमेट क्यों जरूरी है पहनना? हेलमेट बहुत जरूरी है। अरे यार गाइस, तो अब ईएचएस इंजीनियर अजीत जी बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हेलमेट, क्यों जरूरी है हेलमेट पहनना? ये हेलमेट हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो भी वर्कर या फिर इंजीनियर जो भी जाएगा साइट पे उसको तो बहुत मैंडेटरी है हेलमेट पहन के जाना साइट पे, विदाउट हेलमेट वहाँ पे साइट पे एंट्री नहीं होगी, है ना। जो भी सेफ्टी से पर्सन होंगे वहाँ पे तो वो उनको अलाउ नहीं करेंगे साइट पे जाने के लिए। ये हेलमेट ज़रूरी है हमारे लिए इसलिए कि ये हमारे सिर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं करता, ये हम हमारे सिर को पूरा प्रोटेक्ट करके रखता है ये, और कुछ नहीं बोलना मुझे। अरे हाँ, तो मिश्रा जी आपके हिसाब से इम्पोर्टेंस ऑफ हेलमेट क्या है, क्यों हेलमेट पहनना जरूरी है? देखो, सब जो भी इम्पोर्टेंस आप लोग को जाननी हो गाइस, इसमें आईएस कोड दिया हुआ है 2925, इसमें जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए और इसमें पढ़िए, आपको सब चीज कंप्लीटली और अच्छे से। अकॉर्डिंग टू यू, आप वर्कर्स को कैसे ट्रेन करते हैं हेलमेट पहनने के लिए अपनी साइड? सुपरवाइजर को करते हैं। मैं तो भाई देखो किसी को ट्रेन नहीं करता, मैं बस बोलता हूँ इसमें आईएस कोड है डाउनलोड करो, मरवाएगा मरवाएगा। एज पर शेड्यूल हम लोग जा रहे हैं अभी अपने ट्रांसमिशन टावर्स की, यहाँ पर टेस्टिंग होती है उस एरिया में, मुझे तो लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग हुआ ये भी देखना, अभी तक जितना एक्सप्लोर किया वो काफी इंटरेस्टिंग रहा, अब लेट्स सी टेस्टिंग एरिया कितना इंटरेस्टिंग रहता है। मिश्रा, आर यू एक्साइटेड? सो मच एक्साइटेड दिस मैन। और तो चलिए, बस निकल चुकी है, ड्राइवर अंकल ने बस को चालू कर दिया है और बस अब जा रही है, और हम लोग भी अब जा रहे हैं, अब मैं भी बैठ जाता हूँ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। मिलते हैं आपको टेस्टिंग एरिया में, ठीक है गाइस। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं के ई सी के टावर टेस्ट स्टेशन से, पीछे देख के भूल गया था, टावर टेस्टिंग स्टेशन से। तो वहाँ पर काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोगों ने देखी, वहाँ पर शूट करना अलाउड नहीं था, इस वजह से हम शूट नहीं कर पाए, ये सभी लोग नन्हे मुन्ने ईएलटी सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखी। तो कैसा रहा विषय, तेरा एक्सपीरियंस आज का? बहुत अच्छा लगा यार, स्टेशन का क्या क्या देखा, क्या क्या समझा? बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें समझी यार, अलग अलग टावर्स देखे, अलग अलग चीजें देखी, मॉक ड्रिल देखा यार कैसे होता है यहाँ पे, टावर इरेक्शन डिस्ट्रक्शन सब चीजें सीखी। एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से मानस, तुमने क्या सीखा है यहाँ पे? एग्जीक्यूशन काफी कुछ सीखा, आलसी के छोरे। काफी कुछ सीखा भाई, काफी कुछ सीखा भी नहीं, कुछ सीखा भी नहीं, कुछ तो समझ में ही नहीं आया। आंसर गया, आंसर चलो आजा, चला भाई, निकालिए रुको जाएगा, टिकट बेच रहे हैं, तू बोलेगा। हाँ भाई, क्या देखा, क्या सीखा, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, एक मतलब जो आज ऐसा बहुत दिन बाद लगा कि कुछ करा, कुछ डायनामिक सा हुआ, और अभी तो और एक्साइटेड है, आधी कहानी है, डिस्ट्रक्ट करने वाली जो प्रोसेस है वो सबसे बेस्ट होती है, बहुत ज्यादा ग्रैंड है, बहुत ज्यादा ही ग्रैंड है, बहुत ज्यादा ग्रैंड था, इतने बड़े बड़े टावर 90 मीटर की क्रेन उसको उठा के घुमाते हुए देखा, टावर के ऊपर से चढ़ के उतर गया हूँ, मेरी सांसें फूल रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी बारे में देखिए क्या बोल रहे हैं, इनकी सांस फूल रही है, मतलब बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग रहा, बहुत ही अच्छा लगा हमें देखकर,
इतने बड़े बड़े टावर। एक टास्क हमारा ये है कि हमको टाइम पे पहुंचना है वरना खाना खत्म हो सकता है, वरना खाना खत्म हो जाएगा कैंटीन में। तो चलिए गाइस पहुंचते हैं कैंटीन, पहुंच के देन हम अगली क्लिप में आपको लंच शो करते हैं अपना। आज हम लोग प्लांट में लंच में क्या मिलेगा। ओके गाइस, रायता, दाल, चने, केला। हाँ भैरव, भैरव इंटरनेशनल खाना आज क्या मिला है तुम्हें? इंटरनेशनल केला, इंटरनेशनल केला, इंटरनेशनल दाल, इंटरनेशनल दाल। थैंक यू भाई, हाउ इज द टेस्ट ब्रो? इट्स एंटरटेनिंग, टेस्ट इज एंटरटेनिंग, वेरी एंटरटेनिंग। ये इनने क्या डैम बना लिया दाल चावल का। ओ जिंग जिंग जिंगाट, जिंग जिंग जिंगाट, जिंग जिंग जिंगाट, जिंगो। रिसेंटली चालू किया है ये म्यूजिक प्रोडक्शन का बिजनेस है जो हम देखते हैं इसके अलावा कपड़े की फैक्ट्री के अलावा। तो आज जो मॉडल देख रहे हैं ये हमने 45,000 रुपए में आया है। आप सोच सकते हैं विदेशी मॉडल इतने सस्ते रुपए में हमने कैसे आया की। ये उसी बिजनेस का एक संदर्भ है लव सॉन्ग का बिजनेस में लिए। हमने साउथ अफ्रीका से लिया था सर, कैसा लग रहा है सर आपको चाय पी के? अच्छा लग रहा है लेकिन चाय टाइम से नहीं आता यार, 3 बजे बोलता है आता है अभी रोज फोन करना पड़ता है यार। कौन हो आप, वीपी हो या मैनेजर हो? मैं तो अभी डीजीएम हूँ। आप डीजीएम है? कब अच्छा लग रहा है यार आपका? कब केसी का है ना, ये सिर्फ स्पेशल डीजीएम साहब के लिए आता है। अच्छा, डिप्टी जनरल मैनेजर, ये भी डिप्टी जनरल मैनेजर है क्या? असिस्टेंट डिप्टी जनरल मैनेजर, उनके लिए भी आ जाता है। और ये ये सेफ्टी सेवर सेफ्टी सेवर वेंकटेश सॉरी पहली, अरे कोई ना, ये साहब कौन है? देखिए आप केजी की चाय है, चाय चाय फील हो रहा है, चाय चाय तुम्हें नहीं मिली चाय? खतरनाक फोटोग्राफी ये वही बंदे हैं कि इसी के जो स्वैग में रहते हैं। चलो भाई आज की छुट्टी, 4th day डी एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ब्रो। आर यू ऑल्सो फीलिंग स्लीपी? अ लॉट। आर यू हैप्पी सूरज दादा घर जा रहे हो आप? जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं तो गाइस आज का बड़ी हो जाए चौथा दिन। इधर आना कैमरे में आके बोलना गाइस, ये केसी की पार्किंग कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन हमारे आईपीएस जितनी बड़ी कभी नहीं हो सकती। देख सकते हैं आप, दिखाइए पार्किंग, दिखाइए पार्किंग भी छोटी है इसकी। तो गाइस आज का जो 4th day था, इधर दिखाइए। तो गाइस आज का जो 4th day था वो भी इसी के साथ समाप्त होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर। अभी हम लोग बस के अंदर जाएंगे, देन उसके बाद बस हमें होटल ड्रॉप करेगी। फिर उसके बाद अगर होटल में कुछ मटर कश्ती या मस्ती हुई तो उसके क्लिप्स आपको व्लॉग में देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अब आगे के व्लॉग में। और कैमरामैन रोहन के साथ, रोहन के साथ संवाददाता फार्मर किड और जनता जनता ऑडियंस ऑडियंस मिश्रा जी, सोनी जी और अविनाश जी अगर आपके साथ बने रहेंगे। चलिए मिलता है सर। क्या लगता हूँ यार मैं, सेक्सी लगते हैं हम दोनों ही वैसे सेक्सी। चौथा दिन 4th day फेज वाई के बिना मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से एंड हो रहा है। तो बॉयज हाउ इज द जोश? हाय,
सब लुल पड़ गए, सब लुल पड़ गए, किसी का जोश नहीं है। तो गाइस हाउ द जोश बंदे और माता जी जय जय। तो गाइस आइए जानते हैं आज का दिन कैसा रहा, तो बताइए भाई आज का दिन कैसा रहा। आज का दिन में बहुत ही मजा आया, हम वहाँ पे गए टावर टेस्टिंग देखी, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आया। तेरा दिन कैसा गया आज का? अच्छा था आज, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा हटके था, थोड़ा डायनामिक था, एक जैसा दिन भी था, थोड़ा सा अनकॉमन था, और आज सबको चाय मिली। तो गाइस आप दोनों का आज का दिन कैसा रहा? आज हम लोगों ने कुछ नई सीखा, नई चीज सीखी है। जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे अपन, आज टावर टेस्टिंग एरिया में कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, वैसा मिला नहीं। टावर के पार्ट बहुत सारे घूमे हुए थे और हमें भी मतलब आगे चलकर ऐसे देखने को और मिलेगी, हम अगर चाहते हैं और अगली बार हम फिर जाना चाहते हैं उस जगह पर। हाँ भाई आपका कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? आज का दिन भाई बहुत अच्छा रहा, टावर टेस्टिंग रिलेटेड काफी कुछ सीखने को मिला, और दिमाग वो लग रहा था कि हम केसी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे जाके वो लग रहा था कि केसी का ये ऑफिस है। मजा आ रहा है आज का दिन, तो बहुत ही शानदार रहा, बढ़िया रहा। मनीष जी आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? मस्त रहा, काफी क्या सिखाया गया आपने? टावर काफी कुछ सीखने को आज मिला है रिलेटेड टू टावर टेस्टिंग, आज काफी कुछ सीखने आज तो एक चीज और मजा आ गया कि व्हाइट हेलमेट का प्लांट में बहुत ज्यादा मजा है भाई। मेरे हम लोग जब व्हाइट हेलमेट पहनते, मैं दिव्यांश सोनी और ये ओके मनीष चार लोग घूम रहे थे ना, तो व्हाइट हेलमेट पहन के देखा हम लोग जा रहे थे। हाँ एक भाई है भाई अजीत, अजीत 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 भाई भी है, तो हम लोग घूम रहे थे ना, तो उन लोगों ने वर्कर लोगों ने देखा कि अरे यार व्हाइट हेलमेट वाले लोग आ रहे हैं, इंफेक्शन हो रहा है, तुरंत तुरंत थक 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 हेलमेट अपना पहनना शुरू कर दिए, सलाम मारना शुरू कर दिए, तो काफी अच्छा लगा। मानस भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज? सही रहा, बढ़िया इसरो के अंदर आ गए, इसरो के अंदर आ गए। और क्या एक्सपीरियंस किया आज आपने? टेस्टिंग का कुछ सीखा, बाकी पीछे वाले बताएंगे। चलो चल तू कॉल में बात कर रहा। तो भाई आपने क्या सीखा आज? क्या सीखा आज? ऊपर से गया बट ऊपर से जाता है, इसका रोज ऊपर से जाता है। एक्साइटेड जिस तरह से थे उस तरह की मुझे मिली। हाँ थोड़ा थोड़ा था एक्साइटिंग था। चलो बढ़िया है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन मस्त रहा, एंजॉय किया आपने? जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था सुबह, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, वैसा कुछ मिला? एक्सपेक्ट नहीं किया। अच्छा तो क्या अच्छा होगा? हाँ अच्छा होगा, अच्छा होगा, मजा आया आज के दिन, फुल एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखा तो मिला, सीखा है, सीखने को मिला, सीखने को मिला, जल्दी नहीं सीख पाते। चलो कोई बात नहीं, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। दादा आज का दिन अच्छा गया, कुछ टेस्टिंग चीजें देखने को मिला, देखते हैं उम्मीद करते हैं कि टेस्टिंग भी देखने को मिले, टेस्टिंग भी देखने को मिले, नंबर अपन ने ले लिया है, वही बाकी अब देखते हैं क्या होता है। हाँ अविनाश हाउ इज योर डे टुडे? वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस टू सी, इट वाज अप टू एक्सपेक्टेशन, अप टू एक्सपेक्टेशन, या नॉट बिट लो, नॉट वेरी हाई, या एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम लाइक दिस एवरी डे, ओके वेरी गुड फॉर अस टू रन, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। और रोहन कहाँ रह गया? वही रोहन रह गया, रोहन का हो गया क्या? तू इधर पीछे है, सबका रिव्यू ले लिया है, मेरी जान, मेरी जाने जहां, मेरा जिंगाट मेरे पास आ गया है बाबू। ओह क्या खुशबू है तुम्हारी, वो भी यही कहती थी। तो गाइस आईएसआई सर्टिफाइड होता है, वैसे ये भी बहुत सर्टिफाइड है, मतलब इंटरनेशनल है, चाइना और इधर उधर से भी जिन लोगों का अपना टावर टेस्ट करना होता है वो यहीं पे आते हैं, और यहाँ पे उनके टावर जो वो टेस्ट होते हैं
तो उसकी प्रोसेस समझी हम लोगों ने कि कैसे क्या टेस्टिंग होती है, कौन कौन से पॉइंट्स पे टेस्ट किया जाता है, कैसा क्या लोड पुट किया जाता है टावर्स पे और उसको टेस्ट करने के लिए, ये सारी चीजें जो थी आज हम लोगों ने सीखी। चीज कोई कितना भी कुछ भी बोले, कई बार हम भी बोल देते हैं, बट कभी कभी खासकर ऐसे मोमेंट्स में मैं खुद को बहुत लकी और ग्रेटफुल समझता हूँ कि मैं केईसी जैसी कंपनी में हूँ। आरपीजी ग्रुप जैसा ग्रुप हमारा पेरेंट ग्रुप है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस तो और किसी को नहीं मिल रहा है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े, सबसे हैपनिंग, सबसे शानदार टेस्ट स्टेशन पे हम लोग सेल्फियां ले रहे थे। लाइक इट्स नथिंग फॉर अस, सो वी आर डैम लकी एंड आई एम ग्रेटफुल टू मी टू ब्रो। तो काफी एंजॉय किया आज के दिन। तो इसी के साथ बस जो है हमारी वो होटल आ चुकी है, वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन मयूर पर, मयूर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। होटल्स बाय आशियाना। तो चलिए, तो प्लांट का सफर यहीं पर खत्म होता है चौथे दिन का, फोर्थ डे का। अब चलते हैं होटल में, देखते हैं अब लौंडे लपाटे मिलके क्या मस्ती करते हैं, ठीक है। बाय बाय गाइस, सी यू इन द होटल, मस्ती करते हुए। वेंकी वी कॉट यू, देख सकते हैं वेंकी भाई, ये आदमी चुप चुप के हमसे झूठ बोल के पानी पूरी एंजॉय कर रहा है और ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे हम स्ट्रेंजर हैं, मुझे जानता ही नहीं है। बताओ ये देखो अकेले अकेले ध्यान से देखिए, अकेले अकेले पकड़ा गया ये पानी पूरी खाते हुए। स्माइल कर रहे हैं, पकड़ा गया, देखो ये देखो ये देखो, चुप चुप के पानी पूरी खाता हुआ वेंकटेश भैया। चुपचाप चुपचाप अकेला खा रहा था भाई। भाई सबसे पहले मक्का, रुक 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 भाई, एक और अपने हाथ से खिलाओ भाई। किसी को अपन नरक में जाएंगे, किसी को सुकून से भाई पानी भरी भी नहीं खाने, उसके पैसे की पानी भरी नहीं खा पा रही है भैया भी अंदर है। वेंकी भाई एक प्लेट मैं भी खा लूं, अगर आप बोलोगे सिर्फ तो ही वेंकी भाई खा लूं एक प्लेट में, अरे पैसा वही देंगे बिना सीधी बात, तो बकवास बिना स्प्राइट के। 20 का मेरे को भी कर दो, उनको भी पता नहीं चला। 20 का मेरे को भी कर दो, वेंकी भाई पे कर देंगे। क्यों वेंकी भाई नहीं करा तो बैंकी भाई, सिटी से रिवाइज हो रहा है बैंकी भाई, IIT बॉम्बे बैंकी भाई, लीडर लीडर योर लीडर। भाई बजट बढ़ता जा रहा है इनका भाई, तुमको हर पानी पूरी के पहले जय वेंकी बोलना पड़ेगा, क्योंकि वेंकी भाई खिला रहे हैं इन गरीबों को, ठीक है। जय वेंकी, जय वेंकी, जय वेंकी। चलो स्टार्ट बोलो, वेंकी भाई जाना मत, साथ में चलेंगे। जय वेंकी, जय वेंकटेश भाई। जय वेंकी, नॉर्मल चल रहे हो रहा हमारा होटल, और ये हम एंजॉय कर रहे हैं धर्मेन पानी पूरी सेंटर। जय वेंकटेश, जय वेंकी। चलिए पहले वो हमारे पानी पूरी का बिल नहीं पे करते तो हमारा बजट ये पीने का नहीं जाता, और क्या। थैंक यू वेंकी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, पीने के मिले। जय वेंकी, जय वेंकी, जय वेंकी। गाइस पीके मिलते हैं इसको। तो गाइस मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड बहरो आ चुके हैं डिनर पे, आ चुके हैं डिनर पे डिनर टेबल पर। ये अपने फैज भाई हैं, जो कि इन्होंने आज गोल मारा था चुतिया बना के सबको। और ये मिश्रा जी है, सोनी जी भी आ गए हैं डिनर के लिए, बाकी लौंडे लपाटे भी आ ही रहे होंगे। अभी नहीं आए हैं सब, सूरज भाई का वेट कर रहे हैं, सूरज भाई का वेट कर रहे हैं। सूरज तो आज लगता है सूरज भाई सूरज फ्रेश होने के लिए गया है, फ्रेश होके आ गया तभी तो दो प्लेट खींचे पूरा तीन। आज मुझे आज मुझे ऐसा लगता है कि सूरज जी ने तीन तगाड़ी आपको भी ऐसा लगता है क्या? हाँ, तीन तगाड़ी चिकन खाने का टारगेट रखा हुआ है सूरज जी ने, तो जब सूरज जी आएंगे ये तब देखेंगे वो कितने तगाड़ी चिकन खाते हैं। पता है भाई, अरे इग्नोर हिम, टेस्ट इट ना।
इग्नोर हिम यू जस्ट टेस्ट फर्स्ट रिएक्शन सबका ऐसे ही होता है भैरो कैसे टेस्ट है अच्छा नहीं मंचाओ सूप ही है क्या वो रिपीट हो रहा है ना तीन सूप अपने तीन ड्रेस की तरह जैसे अपन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कर रहे हैं फिर वेडनेसडे से रिपीट चार होंगे रिपीट अपन अपन एक दिन डेजर्ट में गुलाब जामुन रहता है और एक दिन आइसक्रीम अपन आइसक्रीम का इंतजार करते हैं वैसे ही सूप के मामले में टोमेटो सूप का इंतजार करते हैं ये सारे सूप इंतजार में पीते हैं अरे तो इनसे बोल के डेली टोमेटो सूप बना ओ माय गॉड बॉस आई एम द बॉस वेंकी 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 बॉस हे वेंकी हाउ आर यू हाउ आर यू पेट भरा है कि खाली है पेट भरा है कि खाली है Is your stomach empty or filled? खाली रखना है रात को सूरज भाई से कुछ चाहिए Hey Venky, why are you drinking water, bro? It's not tasty. You drink soup only. Venky, yes, all power is yours. Venky, say hi. Holy. Venky, say hi. Say Jai Suraksha. ज्यादा अच्छा भी नहीं है ज्यादा बुरा भी नहीं है बीच का है बुरा है बुरा है बुरा है फोर्थ डे डिनर अविनाश अच्छा है टेस्ट चिकन विकन खा रहे हैं सब लोग हड्डी निकाली गई ये चूस के क्या खा रहे हो ये तुम तो सभी लोगों को बहुत बुरा लग गया ये लग के सबको बेकार लगता है सबको बुरा लग गया मैंने लग के उठा लिया इतना अच्छा रहता है ये दिखाना कैसा लगता है का मलमूत्र खा रहे हो कंपनी के गवर्नमेंट कार्यकर्ता है कंपनी की पाई पाई वसूल रहे अबे वो ढंग से चाट के अरे उसको करूंगा ना अभी खाऊंगा उससे ये झिंगाड़ பதினோரா நல்லா இல்ல வண்டி அஞ்சாவது நல்லா இதற்கு போக்கசம்
रन ही नहीं कर रहा है कोई। उठ के भाई, उठ के उठ के उठ के। रोमांटिक नहीं हो रहा है भाई, रोमांटिक हो गया, घरवाली बन गया तेरी। कहता जब ब्लॉग बनाना होता है तब बनाता नहीं है। हेलो गाइस, खाना खा लिया पी लिया। एंजॉयमेंट में है पूरा एकदम। यार मेरे की जल्दी है, जल्दी कर लोगे मैं इन सब तुम लोग। अरे भाई अरे भाई गले गले वो चादर के अंदर जो भी कर रहा हो। भाई यार तो गाइज एज यू नो हमारा आज का चौथा दिन भी यही खत्म होता है। रात के बज गए हैं, सारे 12 बज गए हैं और अभी अभी विवाह मूवी एंजॉय करके आ रहे हैं भैरव भाई के साथ, फैज भाई के साथ। सब लोग बैठ के मूवी देख रहे थे, बहुत मजा आया मूवी देख के। फिर भी थोड़ी सी रह गई है ना। हाँ, दो एपिसोड कल देखेंगे, 12 एपिसोड अभी तक देख चुके हैं हम लोग, दो एपिसोड बचा हुआ है उसको कल देखेंगे। काफी लेट हो गया है, सोने का टाइम हो चुका है। चलो गाइस अब सोते हैं, इसी के साथ आज का चौथा दिन भी एंड करते हैं नागपुर बूटीपुरी में। बूटीपुरी आज भी काफी मजा आया, काफी इंटरेस्टिंग चीजें और काफी बहुत ज्यादा नॉलेज गेन किया केईसी के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से रिलेटेड। उससे भी ज्यादा मजा आया वो विवाह मूवी देख के। काफी शानदार और विवाह मूवी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, भाइयों के साथ बैठ के जो एंजॉय किया ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वो मेमोरेबल रहेगा। तो चलिए गाइस एंड करते हैं आज के डे का। चलिए भाई, गुड गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।